एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने आपके सबसे बड़े दावे यानी एजुकेशन पर भी कैसे घेराव किया था, कैसे घेराबंदी की थी, उसको लेकर बड़ी खबर। बीजेपी ने खड़े किए थे एजुकेशन पॉलिसी पर सवाल और दिल्ली के स्कूलों में बाथरूम की क्लासरूम बताए थे। 50-50 कोस दूर स्कूल में जाता हुआ दिल्ली का हमारा बच्चा अपने टीचर से पूछता है, टीचर टीचर क्लासरूम कहां है? टीचर कहती है बच्चे चुप हो जा, बच्चे चुप हो जा, ये टॉयलेट ही क्लासरूम है। ज्यादा बोला तो भ्रष्टाचारी गब्बर अरविंद केजरीवाल आ जाएगा। शालिनी वाजपेयी एमसीडी ऑफिस से इस वक्त हमारे साथ हैं। शालिनी, सीधी तस्वीरें भी दिखाएं और जिस तरीके की लगातार हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं चुनाव एमसीडी का, लेकिन नजर देश की, क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ यहां घेराव किया गया। देखिए सुरभि, मैं आपको बताऊं कि 2011 में ये सिविक सेंटर जो मुख्यालय है नगर निगम का, ये 2011 में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन 2012 में ही विभाजन हो गया, मतलब 3 मेयर कर दिए गए। अब पहली बार इस बार फिर यही होगा कि सिंगल मेयर, जो एक मेयर होगा वो फिर से एक तरह से मुख्यालय बनेगा, ये नगर निगम का मुख्यालय बनेगा और यहीं से जो मेयर होगा वो पूरे दिल्ली नगर निगम का, कहेंगे कि वो यहाँ से उसकी सत्ता पर काबिज होगा और वो पूरे नगर निगम को यहाँ से देखेगा। तो जो भी सिविक बॉडीज़ हैं वो यहाँ से सारी संचालित की जाएंगी। तो ये मुख्यालय है और यहीं पर कुछ देर बाद ही आप देखेंगे धीरे धीरे चीजें स्पष्ट जैसे होनी शुरू हो जाएंगी, वैसे ही। बिल्कुल सही बात है शालिनी, और आप एक बहुत बड़े सेंटर पर इस वक्त मौजूद हैं, आपसे बहुत अहम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचेंगी। लेकिन शालिनी जिस बात का जिक्र कर रही है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, 3 मेयर नहीं अब की एक मेयर होगा। परिसीमन के बाद बहुत कुछ बदल गया है एमसीडी में, यानी पावर एक के पास होगा, लेकिन वो एक होगा किस पार्टी का, ये है सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब आज मिलने जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद नतीजे हमारे सामने होंगे।